नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है और कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है इस वक्त नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंची है और इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है, नागालैंड पहुंची है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कोहिमा से राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राहुल गांधी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे। फिलहाल वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है उसका आज तीसरा दिन है। फिलहाल ये यात्रा नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंची है और कोहिमा में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को लेकर एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि यह फंक्शन आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी ने 22 तारीख को इलेक्शन का फ्लेवर दिया है, ये बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने। और इसीलिए जो है विपक्षी गठबंधन जो यूपीए से इंडिया हुआ है वो इस न्योते को ठुकरा रहा है। सम्मान इस न्योते को अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों के द्वारा, इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के द्वारा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि सभी शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। सभी शंकराचार्यों का कहना है कि निर्माणाधीन मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंड सामने आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं इसलिए हम भी जाने का फैसला नहीं किए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये आरएसएस बीजेपी का इवेंट है और चुनावी लाभ के लिए जो है इसको करवाया जा रहा है। फिलहाल ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो नागालैंड के पारंपरिक वेशभूषा है उस वेशभूषा में यहां पर राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी सभी युवाओं से एक एक करके हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए और इस यात्रा के जरिए अभी कांग्रेस पार्टी पूर्वोत्तर की 25 सीटों को साधने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी आपको यहां पर नागालैंड के पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे होंगे और जो जनसैलाब उमड़ा है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जो छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं पुरुष कार्यकर्ता जो राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों पर आए उनसे जो है राहुल गांधी एक एक करके बातचीत करते हुए मुलाकात करते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। ये दो छोटी छोटी बच्चियां इन तस्वीरों में आप देखिए ये भी राहुल गांधी का इंतजार कर रही हैं और यकीनन राहुल गांधी इनके पास आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमने अपने दर्शकों को कल की भी वो मनमोहक तस्वीरें दिखाई जब राहुल गांधी तीन छोटी छोटी बच्चियों के साथ चिप्स खाते हुए, चाय पीते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनके साथ मस्ती मजाक करते हुए आपको वहां पर नजर आए थे। लेकिन फिलहाल नागालैंड के कोहिमा से ये सीधी लाइव तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा के ये तीसरा दिन है और जब राहुल गांधी नागालैंड के कोहिमा पहुंचे इस दौरान उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार हम सीधे अपने दर्शकों को सुनवाने की कोशिश करते हैं, सुनिए। मेरी सोच है जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है।
जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं, जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं, मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो यह बात है, ये जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।